डे 7, राइट। पिछले 6 वीडियोस में हम अपने इस बुक के 3 सेट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम 3 पार्ट कर रहे हैं, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस एरर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। बुक कौन सी चल रही है? बुक चल रही है एसएससी इंग्लिश पब्लिकेशन वाले प्रीवियस प्रैक्टिस सेट्स, जो कि लेटेस्ट एडिशन है इस बुक का, 2019-2020 के प्रैक्टिस सेट्स का। तो इस बुक को ही हम आज करेंगे, आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये सीरीज ही इस बुक से है, और इसका आज 4th सेट शुरू करते हैं। पहले 10 क्वेश्चंस इसके आज होने वाले हैं, तो पेन और पेपर लेकर के रेडी हो जाइए। और जो स्टूडेंट्स नए हैं वो इस टेस्ट को पहली वीडियो से देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं अपने टेस्ट को अभी, ओके। और ये रहा आपका सेट, और बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन, पहले 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। पहले 5 क्वेश्चन इसमें फिल इन द ब्लैंक्स के हैं, और अगले 5 क्वेश्चन इसमें सेंटेंस एरर के हैं। तो चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस है, द यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, ये 3-4 चीज़ें बन करके, ये सारे के सारे, सभी के पहले जो लेटर्स हैं वो कैपिटल हैं, इसका मतलब सारे के सारे कंट्री के नाम हैं, और इन सब से मिलकर के बना है यूनाइटेड किंगडम, यानी कि यूके। तो किसी चीज़ से मिलकर बना होना, उसके लिए कंप्राइजेस भी आ सकता है और कंसिस्ट भी आ सकता है, ठीक है ना। कंबाइन का मतलब तो जोड़ना होता है, ये तो मीनिंग नहीं बैठेगा यहाँ पर, लेकिन से मिलकर बना होना, इन सब चीज़ों से मिलकर बना होना, ये सेंस आ रहा है। अब कंप्राइज आ सकता है, कंसिस्ट आ सकता है, आंसर कौन सा चुने, अपना आंसर चुन लीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर आपको कुछ फिक्स प्रिपोजिशंस की जरूरत पड़ने वाली है। तो कंप्राइज और कंसिस्ट में केवल ये अंतर होता है कि कंसिस्ट के बाद हमेशा ऑफ प्रिपोजिशन आती है, और कंप्राइज के बाद कभी कोई प्रिपोजिशन नहीं आती है। इट मीन्स अगर कंप्राइज के बाद कोई प्रिपोजिशन नहीं आती, तो इसका मतलब इसके बाद ऑफ नहीं आएगा, दैट मीन्स ये क्वेश्चन गलत हो गया। और कंसिस्ट के बाद हमेशा ऑफ आती है, और इसने देनी रखी है, इसका मतलब डी ऑप्शन भी कट गया, दैट मीन्स हमारे पास आंसर बचा ऑप्शन सी। तो ये वाला आंसर लगा दीजिए, पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। यूनाइटेड किंगडम किस किस से मिलकर के बना है, से मिलकर बना होना, मीनिंग लिख लीजिएगा दोनों का, कंसिस्ट ऑफ एंड कंप्राइज, कंप्राइज के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं, कंसिस्ट के बाद ऑफ, ये ध्यान रखिएगा। और दोनों का मीनिंग सेम है, से मिलकर बना होना या में निहित होना, ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम कंप्राइजेज इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, आंसर सी, ये इनसे मिलकर बना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ज्योति रिफ्यूज्ड टू बी बाय हर लॉन्ग इलनेस, ज्योति ने अपनी लंबी बीमारी के बाद कुछ होने से मना कर दिया, क्या होने से, डी स्पिरिटेड यानी कि हतोत्साहित होने से, यानी कि वो नहीं चाहती थी कि भाई उसकी हिम्मत कम हो। दूसरा है डिस्पैच, डिस्पैच होता है किसी प्रोडक्ट का कहीं से चलना, ठीक है ना, मतलब जैसे आपका अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से कोई प्रोडक्ट चलता है जब फैक्ट्री से आपके पास आने तक, तो उसको हम डिस्पैच बोलते हैं, भेजा जाना, भेजा जाना लिख सकते हैं आप इसका मीनिंग, भेजना, ठीक है, डिस्पैच का मतलब ये हो गया। और अगला है डिस्पर्स, डिस्पर्स का मतलब होता है बिखेरना, मीनिंग लिखते रहिए फटाफट से, फिर आंसर बताइएगा मुझे। डिस्पर्स का मतलब बिखेरना, तितर बितर करना। एंड नेक्स्ट है डिस्पेंस, डिस्पेंस का मतलब होता है वितरित करना या बांटना, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूट इसका सीधा सिनोनिम हो जाएगा, डिस्पेंस का मतलब वितरित करना या बांटना, ये सब आपके एंटोनिम सिनोनिम्स ही हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आंसर बताइए, उसने मना कर दिया या वो नहीं होना चाहती थी अपनी बीमारी के बाद, क्या नहीं होना चाहती थी, सीधी सी बात है डी स्पिरिटेड आएगा, स्पिरिट का मतलब उत्साह, और डी स्पिरिटेड का मतलब उत्साह से उत्साह की कमी होना या हतोत्साहित होना, तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 सेज, आई विल इम्पार्ट नो, ही विल इम्पार्ट नो इन्फॉर्मेशन एनीवन, सीधा सिंपल फ्लो, कोई प्रिपोजिशन नहीं है, ही विल इम्पार्ट नो इन्फॉर्मेशन टू एनीवन, टू आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। कोई खास इसमें फिक्स प्रिपोजिशन नहीं है, कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर टू कहाँ पे लगता है, ये प्रिपोजिशन कहाँ पे लगती है, देखो जहां पर फिक्स नहीं होता है और कोई ग्रामेटिक रूल भी नहीं चलता है, वहां पर आपका फ्लो काम करता है, ये फ्लो ऐसे ही डेवलप नहीं होता है, आपको बस डेली इंग्लिश पढ़ते रहना होता है,
ठीक है, इंग्लिश पढ़ते रहिए, ये चीज़ें अपने आप इम्प्रूव हो जाएंगी। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो गुरु के पढ़ाने के बाद भी नहीं आती है, उनके लिए खुद ही मेहनत करनी होती है और वो खुद ही अपने अंदर से डेवलप होती है। तो ये भी उन्हीं में से एक प्रीपोजिशन है कि यहाँ पर टू क्यों आया, देर इज नो रीजन, ये सिंपल फ्लो की वजह से आया है। ठीक है, तो ही विल इम्पार्ट, इम्पार्ट का मतलब लिख लीजिए, इम्पार्ट का मतलब देना या प्रदान करना। तो वह किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, ये सेंटेंस की हिंदी है। नेक्स्ट सेंटेंस है जिम सफर्ड, सफर का मतलब कोई खराब चीज, सफर का मतलब जूझना। तो जिम जूझ रहा था किससे, अपने फॉर्चून के, अपने भाग्य के पलटने से, अपने भाग्य के खराब होने से। तो चलिए फटाफट से सारे वर्ड्स की हिंदी लिख लीजिए। रिवर्स का मतलब, रिवर्स का मतलब पीछे जाना। नेक्स्ट वर्ड जो है रिवर्ट, रिवर्स तो जानते भी होंगे आप, रिवर्स गाड़ी में भी होता है, रिवर्स गियर पीछे जाना होता है। नेक्स्ट है रिवर्ट, और रिवर्ट का मतलब होता है पुरानी स्थिति में लौटना। पुरानी स्थिति में लौटना ऐसा नहीं है, पुरानी स्थिति सही भी हो सकती है। सफर का मतलब हमें यहाँ पे नेगेटिव मीनिंग लेना है, रिवर्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट वर्ड है रिग्रेस, रिग्रेस का एक नाउन बता देता हूँ, ये वर्ब दे रखी है यहाँ पर, लेकिन नाउन होता है इसका रिग्रेशन, रिग्रेशन जानते भी होंगे, ठीक है ना, अवनति कहते हैं रिग्रेशन को। तो रिग्रेस का मतलब क्या हो जाएगा, अवनति की तरफ चलना, वर्ब का मीनिंग हो जाएगा ये रिग्रेस का। अब आता है रिवर्सल, हाँ आंसर भी यही है, ठीक है ना, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, फिक्स फ्रेज भी लिख लीजिएगा सभी। रिवर्सल ऑफ फॉर्चून का मतलब होता है भाग्य का फिरना या भाग्य का पलटना। तो अपने भाग्य के पलटने की वजह से जिम जूझ रहा है, ठीक है ना, तो कोई चीज परेशान कर रही है उसे, इस वजह से हमने यहाँ पे रिवर्सल लगाया। ठीक है ना, रिवर्स का मतलब पीछे जाना, और रिवर्स का, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून का मतलब भाग्य का फिरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉज बाय नेचर एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी। तो वह नेचर से किसी स्वभाव का है और इसीलिए उसने किसी की कंपनी नहीं ली, इसलिए उसने सभी की कंपनी अवॉइड कर दिया, नहीं किसी का साथ नहीं लिया। अब आते हैं आंसर्स, चार ऑप्शंस में से देख लेते हैं कौन सा आंसर चुनना है आपको। एंटी सोशल का मतलब असामाजिक, जो मिलता जुलता ना हो। टिमिड का मतलब डरपोक। कोर्डियल का मतलब, टिमिड का मतलब डरपोक भी होता है, कायर भी होता है। कोर्डियल का मतलब क्या हो जाएगा, कोर्डियल का मतलब होता है मित्रवत या मित्र की तरह से बिहेव करने वाला। और नेक्स्ट है ग्रिगेरियस, ये भी कोर्डियस का एक तरह से सिरोनिम ही हो जाएगा, मिलनसार बोलते हैं इसको। ग्रिगेरियस का मीनिंग लिख लीजिए, ग्रिगेरियस स्पेलिंग मिस्टेक में भी पूछी गई है, ठीक है ना। तो ग्रिगेरियस का मीनिंग हो गया मिलनसार, कोर्डियल का मतलब मित्रवत। तो इसमें क्या है, वह नेचर से थोड़ा सा डरपोक है, इसीलिए किसी के साथ नहीं रहता, नेचर से थोड़ा डरपोक है इसीलिए वो अवॉइड करता है, अवॉइड की उसने कंपनी सबकी। ठीक है, आंसर आ गया इसका बी। अब बढ़ते हैं अपने एरर्स की तरफ, ठीक है ना। तो पहले सेंटेंस हुए, ग्रामर का जितना भी पोर्शन था इसमें, ठीक है, वो हमने कर लिया। अब बढ़ते हैं अगले ग्रामर के पोर्शन की तरफ, सेंटेंस एरर की तरफ, जो कि 6th to 10th क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो चलिए पहला सेंटेंस करते हैं अपना। सेंटेंस कहता है, सेवरल गेस्ट्स नोटिस्ड मिस्टर शर्मा फॉलिंग बैक इन हिज चेयर एंड गैस्पिंग फॉर ब्रेथ्स। गैस्पिंग का मतलब लिख लीजिए गैस्प, GASP, फर्स्ट फॉर्म का मीनिंग लिखना, ये जोर जोर से सांसें भरना या हांफना, इसका मीनिंग होता है, ठीक है ना। सेंटेंस का मीनिंग हो गया, सेवरल गेस्ट्स, कुछ गेस्ट्स ने नोटिस किया कि मिस्टर शर्मा अपनी चेयर पर गिर गए। हाँ एक चीज मैं यहां पर बता देता हूं, अपनी चेयर पर गिर गए, यहां पर इन प्रीपोजिशन है जो कि सिंपल फ्लो के अकॉर्डिंग आ रही है इस सेंटेंस की, फॉल बैक इन इन हिज चेयर। एक बार मेरे ध्यान आ रहा है कि ये जो है ब्लैंक में दिया गया था और ऑप्शन में इन और ओन दोनों की दोनों प्रीपोजिशन थी, तो स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि सर इसमें ओन ही क्यों नहीं आई, आपने इन ही क्यों लगाई है इसमें। एक्चुअली मैं बताता हूँ, फॉल बैक इन चेयर, इन द चेयर है ना, ये सिंपल फ्लो होता है सेंटेंस का, इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये पूछा गया है सेंटेंस पहले भी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक प्रीपोजिशन लगाई हुई है, और नोटिस किया कि इन्होंने कि वो मिस्टर शर्मा का चेयर पर गिरना उन्होंने नोटिस किया और उनका सांसों के लिए हांफना महसूस किया। तो दोनों के दोनों जीरंड हैं, दोनों के दोनों प्रेजेंट पार्टिसिपल आप कह सकते हैं। तो यहां पर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, क्योंकि यहां पर पास्ट का टेंस दे रखा है और इसके साथ में गिरना और हांफना दोनों का कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है। एंड के बाद में जो वर्ब लगती है, एंड के पहले भी वही वर्ब लग रही है, ये रूल भी बिल्कुल सही लगा हुआ है। दैट मीन्स सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, और आपको सेंटेंस में पहला पार्ट चुनना है, पहले पार्ट में नो एरर दिया हुआ है इसमें। नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैनी ए मैन वन ऑफ ए रिच क्विकली। बहुत से लोग
क्या करना चाहते हैं, बहुत तेजी से रिच होना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको एरर चुनना है और फटाफट से आंसर बता दीजिए, फिर मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर रूल काम करेगा क्या, मैनी के बाद में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आए तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। दैट मीन्स अगर अ मैन आ रहा है तो आपको वॉन्ट में एस या ई एस भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब में एस या ई एस लगाया जाता है। तो यहाँ पर वॉन्ट की जगह पे आपको वॉन्ट्स करना होगा। दैट मीन्स एरर कौन से पार्ट में हो गया, वॉन्ट टू बी की जगह पे आपको करना होगा वॉन्ट्स टू बी। तो यहाँ पर एरर हुआ फोर्थ पार्ट में। सिंपल ऊपर ऊपर से एरर दिए हुए, कोई भी डीप एरर नहीं है कि भाई आपको घुमा दे या बहुत ही गहरा, या भाई ऐसा एरर है कि भाई आप पकड़ नहीं सकते थे। बस आपको थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस रखनी है। इसी पर्पस के लिए मैं आपको ये डेली बेस पर वीडियो दे रहा हूँ, ताकि आप अगले एटलीस्ट 6 to 8 months इस इन वीडियो की प्रैक्टिस को लगातार जारी रखें, ठीक है ना। 10 से 15 मिनट में आप एक टेस्ट डेली दीजिए और अपना फिर डेली पूरा काम करते रहिए कुछ भी किसी भी सब्जेक्ट का। इससे आपको पता लगता रहेगा कि आपकी ग्रामर किस लेवल पर चल रही है। हाँ, आपको कभी लगे कि भाई मेरी ग्रामर थोड़ी वीक होने लगी या मुझे काफ़ी टाइम हो गया पढ़ते हुए, एरर देखते देखते आपको पता लगता ही रहेगा कि आपका लेवल कहाँ पर है। तो अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो एक बार अपना ग्रामर का कोर्स फिर से रिवाइज़ कर लीजिए, चाहे तो अपने टीचर के पास, चाहे तो अपने नोट्स से, वो आपकी चॉइस है। लेकिन इसे कंटिन्यू रखिए, ठीक है। 3 पोर्शन इसमें होते हैं, तीसरा पोर्शन कल की नेक्स्ट वीडियो में, अभी 2 पोर्शन हम इसके कर रहे हैं, कल ये सेट पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8th question, we have finished our work 3 hours ago and have been waiting for you since then. हाँ, और कुछ बच्चे समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या एरर है, तो फटाफट से आंसर चुन लीजिए, फिर मैं बता देता हूँ। आपको ध्यान रखना है, जब भी अगो, लास्ट या इस तरह के कुछ वर्ड आए तो वहां पर हमेशा पास्ट इनडेफिनिट टेंस होता है, फिक्स रूल है, कोई गहरा या कोई डीप एरर नहीं पूछा है, ऊपर ऊपर से एरर पूछा है। अगो के साथ हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है, दैट मीन्स आपको यहाँ से हैव हटाना होगा और फिनिश्ड रहेगा केवल सेकेंड फॉर्म के रूप में। तो आंसर किस पार्ट में आ गया, वी हैव फिनिश्ड की जगह हो जाएगा वी फिनिश्ड, ठीक है ना। सेंटेंस का आंसर हो गया सी। हिंदी सेंटेंस की क्या है, वी फिनिश्ड आवर वर्क 3 hours ago, हमने अपना काम 3 घंटे पहले फिनिश किया, एंड हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस देन, और तभी से तुम्हारा वेट कर रहे हैं, ठीक है। अगला सेंटेंस है, A study is going on underway to determine the exact concentration of lead in the water supply. एक study चल रही है ये determine करने के लिए, ये पता लगाने के लिए कि exact concentration, exact जमाव कहाँ पर है lead का पानी की supply में, ठीक है ना, lead का जमाव कहाँ पर है, ठीक। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आंसर चुन लीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, या तो आप करिए कीजिए क्योंकि चल रही है, यानी कोई चीज़ कंटिन्यू है, या तो कंटिन्यू रखने के लिए गो ऑन कीजिए, गो ऑन का मतलब जारी रहना होता है, कंटिन्यू रहना होता है, या फिर खाली अंडरवे रखिए, फिर गोइंग मत लगाइए। बुक ने भी यही आंसर दिया हुआ है और बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ है कि या तो गो ऑन रखिए या फिर खाली अंडरवे रखिए। तो 2 तरीके से सेंटेंस ठीक हो सकता है, ए स्टडी इज गोइंग ऑन टू डिटरमाइन, और दूसरा तरीका है ए स्टडी इज अंडर वे टू डिटरमाइन। तो दोनों तरीके से सेंटेंस ठीक हो सकता है, या तो गोइंग नहीं आएगा, अंडर वे रहेगा केवल, या फिर गो आएगा तो फिर ऑन रहेगा, फिर अंडर वे नहीं आएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा किसमें, सी पार्ट में। तो 9th का आंसर हो गया सी आपका। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन कहता है कि द रशियन एम्बेसडर वेयर अबाउट्स, रशियन एम्बेसडर्स वेयर अबाउट्स इज नॉट नोन टू एनीवन, ठीक है। अब वेयर अबाउट का मतलब होता है पता, यानी कि सिंगुलर चीज हो गई, वेयर अबाउट्स लिख लीजिए इसका हिंदी मीनिंग, इसका मतलब होता है एड्रेस, ठीक, इसका पता। तो का की के लिए अपोस्ट्रोफ भी आया, ठीक है। वेयर अबाउट्स का मतलब पता होता है, और इसके लिए सिंगुलर वर्ब आई वो भी ठीक है, क्योंकि पता सिंगुलर होता है, ठीक है ना, सिंगुलर भी लग सकता है, प्लूरल भी लग सकता है, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर का सेंस है, एक पर्सन का पता है, इस वजह से हमने इज लगा दिया। नाउन का, नाउन के चैप्टर से पूछा गया है, ठीक है। और इज आर एम के बाद थर्ड फॉर्म आई है तो पैसिव वॉइस है, और नॉन के बाद हमेशा टू आता है तो वो भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस में कहीं से कहीं तक भी कोई एरर नहीं है, दैट मीन्स हमें यहाँ पर चुनना होगा 4th पार्ट, नो एप। तो ये था आपका आज का टेस्ट, फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में अपना सभी स्कोर जरूर बताइए, और फिर हम इसके बाद जल्दी मिलते हैं कल की वीडियो में। ओके, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।